सोशल मीडिया पर किसी न किसी वजह से बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित चर्चा में रहती ही हैं। हाल ही में माधुरी को लेकर एक और खबर काफी ज्यादा सुर्खियों में रही। इन दिनों माधुरी दीक्षित नए साल के मौके पर अपने हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को लेकर तारीफों में थी। मुंबई में उन्होंने वक्त गुजारा, काफी पुराने यादों को शेयर किए। साथ में माधुरी ने अपनी फुल फैमिली की फुल प्रेम वाली फोटो भी शेयर की। साथ में माधुरी ने एक और फोटो शेयर की। उन्होंने बताया कि साल 2019 उनके लिए सबसे खास इसलिए भी था क्योंकि पति के साथ उन्होंने घर पर अपने तीसरे बेटे का स्वागत किया। अब सोच रहे होंगे आप, वो तीसरा बेटा माधुरी और श्रीराम नेने का क्या उनका तीसरा अपना बेटा है? अब आपके सवालों का जवाब दे दे। दरअसल माधुरी के जिस तीसरे बेटे की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो माधुरी का कोई अपनी संतान नहीं, बल्कि हम यहाँ बात कर रहे हैं उनके घर के उस प्यारे से पेट की, जिसे गोद माधुरी दीक्षित ने लिया। गोद लेकर अपने बच्चों की तरह उन पर प्यार लुटाती हुई नजर आई माधुरी, जिन्होंने ये फोटो शेयर कर लिखा, लाइफ वुडंट हैव बीन एज फन विदाउट माई मेलो कार्मेलो, ग्रेटफुल टू हैव हिम इन आवर लाइव्स, आवर फैमिली, थैंक यू 2019 रैपअप ऑफ द ईयर। ये उन्होंने साल के आखिरी समय में ये पोस्ट शेयर की थी और उन्होंने साल पर हैप्पी न्यू ईयर विश भी फैंस को किया। उन्होंने बताया कि कार्मेलो उनके पेट के बिना उनकी जिंदगी और उनके परिवार की खुशी अधूरी रहती और बहुत ही ज्यादा फन है उनके साथ रहना, जो उनके परिवार का एक हिस्सा है। बिल्कुल उनके बेटों की तरह उनके साथ वो ट्रीट करती है, उनकी देखभाल करती है, छोटी छोटी कमियों को पूरा करती है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।